मेरे किचन में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज काले चने की सब्जी बनाएंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा कप काले चने। इसे मैंने 12 घंटे के लिए भिगो दिए थे और इन्हें मैंने कुकर में उबाल लिए हैं। एक टमाटर, एक हरी मिर्ची और अदरक, प्याज और लहसुन ऑप्शनल है, आप चाहो तो ले सकते हो। 4 टेबल स्पून तेल, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच लाल मिर्ची, 1/4 चम्मच जीरा, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला और 1/4 चम्मच हल्दी। अब सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे, तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो गया, सबसे पहले जीरा डाल देंगे, अदरक और टमाटर, हरी मिर्ची डाल देंगे। अब इन्हें हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। पहले टमाटर, अदरक, हरी मिर्ची पक गए हैं, इसमें सभी मसाले डाल देंगे। और इन्हें भी हम पकने देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। और इसे 2 मिनट पकने देंगे। मसाला पक गया है, अब इसमें हम काले चने डाल देंगे। फुल आंच कर लेंगे और इसे 5 मिनट और पकाएंगे। पांच मिनट हो गए हैं, ये हमारे काले चने की सब्जी बनके तैयार हो गई है। ये काले चने की सब्जी बनके तैयार हो गई है। अब इसे आप भी बनाइए और अपना अनुभव कमेंट्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।